Welcome to Vishika classes. It is the time to update our GK and this is our class number 23. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. Name the country famous for its ancient civilization. The name of the country is Egypt and the name of the civilization is Mesopotamia. जो सिविलाइजेशन थी वो मेसोपोटामिया थी और जिस कंट्री की फेमस है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन दैट द नेम ऑफ द कंट्री इज इजिप्ट। इजिप्ट वो कंट्री का नाम है। इट इन द मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट में लाइक करती है ये, द इंडस वैली रीजन, समवट अबाउट द पाकिस्तान इन इंडिया आर द फेमस प्लेसेस जहां पर थी। नेम द कंट्री फेमस फॉर स्पाइसेस, उस कंट्री का नाम बताइए जो अपने मसालों के लिए बहुत फेमस है। India. India is the famous for the spices because it is the largest producer of the spices in the world. Name the country famous for tallest mountains. सबसे लंबे mountain के लिए जो country famous है उसका नाम क्या है? The name of the country is Nepal and the name of the mountain is Mount Everest. माउंट एवरेस्ट कहाँ पर लाइक करते हैं? नेपाल में। तो कंट्री का नाम क्या हो गया? नेपाल। और माउंट एवरेस्ट का, माउंट एवरेस्ट यह है जो माउंटेन है, तो सबसे लंबा माउंटेन है। नेम द कंट्री फेमस फॉर ओल्डेस्ट ब्रिजेस, पुराने ब्रिज के लिए फेमस है। सबसे पुराना ब्रिज कौन सी कंट्री में है? द नेम ऑफ द कंट्री इज ग्रीस, ग्रीस है। द नेम ऑफ द ब्रिज इज अर्काडिको ब्रिज, ब्रिज का नेम क्या है? अर्काडिको ब्रिज। And it is built in around 1300 BC. वो 1300 BC यानी कि मैकेनिया पीरियड के अंदर बिल्ड किया गया था। ब्रिज का नाम है अर्काडियो ब्रिज। Name the country famous for fashion. और I think इसका आंसर आप सभी को बहुत अच्छे से आता होगा कि उस कंट्री का नाम क्या है जो फैशन के लिए फेमस है। फ्रांस इज द नेम ऑफ द कंट्री, फ्रांस उस कंट्री का नाम है। And the famous brand is IPX by IFDAQ. और जो famous brand है, जिसकी वजह से fashion industry बहुत ज़्यादा famous है, वो है IPX. और जो country, जो brand name जिसके under ही करती है, that was IFDAQ. Name the country famous for Amazon rainforest. Amazon rainforest के लिए कौन सी country famous है? That was Brazil. कंट्री का नाम क्या है? ब्राजील, नियर अबाउट द साउथ अमेरिका। 60% जो रेन फॉरेस्ट है वो यहाँ पर अकर होती है। नेम द कंट्री फेमस फॉर हैविंग रॉकी माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स की जो सी कंट्री फेमस है उसका नाम क्या है? द नेम ऑफ द कंट्री इज यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स फेमस है फॉर द रॉकी माउंटेन्स। जो बैंडविड्थ था इसकी, जो माउंटेन्स की जो रेंज है वो कहां से कहां तक स्प्रेड है? फ्रॉम द नॉर्थ अल्बर्टा एंड ब्रिटिश कोलंबिया इन कनाडा, नॉर्थ अमेरिका के अंदर नॉर्थ अल्बर्टा से लेकर ब्रिटिश कोलंबिया इन कनाडा तक और साउथ वर्ड्स में मैक्सिको तक। तो जो पूरा जो एरिया दैट इज नियर अबाउट इन द यूनाइटेड स्टेट्स में आता है, तो दैट्स व्हाई द कंट्री फेमस फॉर द रॉकी माउंटेन्स इज यूनाइटेड स्टेट्स। नेम द कंट्री फेमस फॉर हैविंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी जिस कंट्री के पास है उस कंट्री का नाम क्या? और इसका आंसर भी हम सबको पता है, कौन सी कंट्री यूज कर रही है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? या जापान, जापान इज यूजिंग द लेटेस्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। और सेकेंड नंबर पर जो कंट्री आती है दैट वॉज साउथ कोरिया, आफ्टर जापान इट वॉज साउथ कोरिया। एंड बट बात कर रहे हैं अपन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फेमस है वो है दैट वॉज जापान। नेम द कंट्री फेमस फॉर हैविंग वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, वो कंट्री जिसमें वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, मींस फ्लोरा एंड फौना बहुत आर वेरी वेरी फेमस। द नेम ऑफ द कंट्री वाज अ ब्राजील, क्योंकि यहाँ पर आपको अभी बताया ये मैंने, अमेजोन रेन फॉरेस्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा है जहां पर बारिश ज्यादा होगी, तो बट ऑब्वियस है फ्लोरा एंड फौना दोनों ही बहुत ज्यादा होंगे। डिफरेंट डिफरेंट मैमल स्पीसीज, फ्रेश वाटर स्पीसीज यहाँ देखने को मिलती हैं। दैट इज नियर अबाउट 50,000 स्पीसीज ऑफ ट्रीज एंड बुशेज आर फाउंड हियर, और ट्रीज और बुशेज की तो 50,000 स्पीसीज से ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एंड दिस इज द प्लेस ऑल्सो वेयर द फर्स्ट प्लांट सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड, अराउंड 1/10 ऑफ द वर्ल्ड
रिकॉर्ड, मतलब वर्ल्ड, अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें इन द स्पीसीज, तो 1/10 पार्ट जो है वह सिर्फ और सिर्फ ब्राजील अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर फाउंड होता है। नेम द कंट्री हैविंग अ वास्ट वैरायटी ऑफ बटरफ्लाइज, उस कंट्री का नाम बताइए जहां पर बहुत ज्यादा बटरफ्लाइज आपको देखने को मिले। द नेम ऑफ द कंट्री इज कोलंबिया, कोलंबिया हैज अ वाइड वैरायटी ऑफ द बटरफ्लाइज। नेम द कंट्री इज हैविंग अ एनिमल कंगारूज, कंगारूज जहां पे फेमस है और ये भी सबको पता है, और ये उस कंट्री का ना नेशनल एनिमल भी है। तो नेम ऑफ द कंट्री क्या है बताइए। That was Australia and New Zealand. New Zealand and Australia. Australia is a famous place. So second number पे New Zealand है. Name the country having a variety of flowers. यहाँ पर बहुत ज़्यादा flowers देखने को मिलेंगे. अच्छा, इसके लिए आपको hint देती हूँ. That country is also known as the land of flowers. उस country को हम land of flowers भी कहते हैं. तो this is a guess for you. ये आपके लिए guess है. The land of flowers कौन सी country है? उसी का answer ये country का नाम है जहाँ पर variety of flowers आपको देखने को मिलेंगे. The country name was Netherlands. Netherlands is the name of that country. Okay. And the second most thing, it produced 10 billion flowers per year. Now, name the country producing large amount of opium. Opium is the name of a grain. It grain ka naam hai. Okay. Which is a very good quality of, which is very good for our eyes also. Hamari aankhon ke liye bahut achhi hai. So, country ka naam hai jahan pa sabse zyada opium produce hota hai. और ना इसके लिए हिंट है कि जो स्पीसीज के लिए है जहाँ पर स्पाइसेस ज्यादा मिलेंगे वहीं पर प्रोड्यूस होगा ओपियम भी। करेक्ट, इंडिया, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम। नेम द कंट्रीज हुज टूरिस्ट वांट्स टू विजिट, ऐसी कंट्री का नाम बताइए जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जाना चाहते हैं, यानी कि टूरिस्ट प्लेस है वो, तो कौन सी कंट्री है? और इसका भी आंसर आप सबको बहुत अच्छे से पता है, दैट हैविंग अ वेरी गुड, मतलब जो वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स बहुत अच्छे हैं, दैट द नेम ऑफ द कंट्री इज फ्रांस। एंड द सेकंड नंबर पे आती है स्पेन। तो फ्रांस इज द हैविंग अ बिलियन एवरेज जो है इसकी 80 मिलियन जो टूरिस्ट वहाँ पर हर साल विजिट करते हैं। नेम द कंट्री हैविंग अ मैक्सिमम वोल्केनोस, जहाँ पर बहुत ज्यादा आपको वोल्केनोस देखने को मिलेंगे, तो कौन सी कंट्री है वो? The name of the country is Indonesia. What is the name of the country? Indonesia. And you have to know, आपको surprise होगा, there are 55 active volcanoes. 55 active volcanoes हैं Indonesia में। तो what is the meaning of active volcanoes? Active volcanoes are those volcanoes which can be burst at any time. जो कभी भी फूट सकते हैं, इसमें से लावा कभी भी बाहर निकल सकता है। Name the country producing large amount of oil, जहाँ पर सबसे ज़्यादा oil produce होता है। Okay, तो oil कौन सी country में सबसे ज़्यादा produce होता है? वैसे सब सोचेंगे इसका आंसर गल्फ कंट्रीज है, बट नो, गल्फ कंट्रीज इज कम नॉट द टॉप वन। गल्फ कंट्री सबसे ज्यादा अमाउंट ऑयल नहीं प्रोड्यूस करती है, द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोड्यूस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ऑयल। सबसे ज्यादा जो ऑयल प्रोड्यूस करती है दैट वाज यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सऊदी अरेबिया, दैट कम्स अंडर द सेकंड नंबर। नेम द कंट्री फेमस फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर, जो अपने लिटरेचर के लिए बहुत फेमस है, जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, बहुत ज्यादा ही लिटरेचर के बारे में हमें बताया, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंट्री? That is England, United Kingdom. The William Shakespeare also belongs from here, and it plays a very, very great role to give the English literature to us. William Shakespeare is वो person है जिन्होंने हमें English literature के अंदर the wide variety दी है, और वो कौन सी country को belong करते थे? England. That was the United Kingdom. That's all for today's class. If you want to know some more information regarding these types of questions, you can comment.